तो रिलीफ रिलीफ बोलने वाले को मने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा और डीजल की कीमतों में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। और दिन ब दिन महंगाई की शरह में इजाफा होता देखा जा रहा है और ज़राई अजनास की कीमतों में कमी नई हुकूमत किसानों के साथ इतनी नाइंसाफी और जुल्म क्यों कर रही है। और साल 2024 में नए गंदम की कीमत के हवाले से बड़ा फैसला बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और इसके साथ ही गल्ला मंडियों से ज़राई अजनास के ताज़ा रेट भी शेयर किए जाएंगे, इसलिए आप सभी से गुजारिश है वीडियो को फुल वॉच कर ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मुकम्मल रिपोर्ट आप लोगों के सामने होगी। और किसान इत्तेहाद और निजी टीवी की रिपोर्ट आप लोग खुद सुन ले। किसानों को जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर छोड़ दिया, क्या क्या वजह थी? क्या आलमी मंडियों से लाखों डॉलर्स की गंदम इम्पोर्ट की गई? वजीर आला पंजाब से गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन और मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब मुल्क में फूड सिक्योरिटी का जामिन मगर हमारे किसान इस्तेहसाल का शिकार हैं। वजीर आला पंजाब गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कराएं, बारदाना की तादाद को बढ़ाया जाए। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम जारी, काश्तकारों को गंदम की कीमत के अलावा डिलीवरी चार्जेस अदा करने का फैसला। बारदाना के लिए 17 अप्रैल तक दरखास्तें वसूल होंगी। इस साल गंदम 3900 रुपये फी 40 किलो मुकर्रा कीमत पर खरीदी जाएगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी पैगाम किया जाएगा। बेमौसमी बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान, किसान शदीद परेशान। 89 एकड़ 4 से 5 मन गंदम के ज़ाया होने का खदशा। पंजाब में बारिशों ने कटाई की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया। कई इलाकों में आंधी से गंदम की फसल ज़मीन बोस हो गई। जुज़वी नुकसान पहुंचने के अलावा कटाई का अमल भी ताखीर का शिकार। तो मैं सभी किसानों के आगे रिक्वेस्ट करता हूं, सब किसान इकट्ठे होकर अपने हक की आवाज को बुलंद करें और अपने हक पर डटे रहें। देखा जाए नॉन लीग की जब भी हुकूमत आई है, इसने किसानों को एक बड़े नुकसान की तरफ ही लेके गई है और हर बार किसानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म ही होता देखा जा रहा है। तो अगर गंदम के रेट की बात करें, पंजाब के मुतले गल्ला मंडियों के अंदर नए गंदम 3300 रुपये से लेकर 3500 रुपये में फरोख्त हो रही है। तो अब बात करते हैं गल्ला मंडी आरफ आला के अंदर अजनास रेट की बात करें। सबसे पहले मुंजी की बात करें, आरफ आला के अंदर 15/09/1692 साफ सुथरा VIP माल 4700 रुपये से लेगा 5050 रुपये में फरोख्त हो रही है। और कायनात गारंटी की बात करें, आज गल्ला मंडी आरफ आला के अंदर कायनात गारंटी साफ सुथरा VIP अच्छी क्वालिटी का माल 5000 रुपये से लेगा 5300 रुपये 5350 रुपये तक VIP अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा माल फरोख्त हो रहा है। और मक्की के रेट की बात करें, आरफ आला के अंदर 10 से 12 6 फीट क्वालिटी मक्की 2000 रुपये से लेगा 2210 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। वंडा क्वालिटी मक्की 1300 रुपये से लेगा 1500 रुपये में। और नई सरसों की बात करें, 6500 रुपये से लेगा 1800 रुपये 7900 रुपये तक फरोख्त हो रही है। बाजरे की बात करें, 2800 रुपये से लेगा 3000 रुपये में। तेल और तिली की बात करें, 17000 रुपये से लेगा 17700 रुपये में।